पाकिस्तान में आर्थिक संकट यानी इकोनॉमिक क्राइसिस अपने चरम पर है। नए फाइनेंशियल ईयर में भी पाकिस्तान में मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। देश तो डूब ही रहा है, वहीं वहां की जनता भी आए दिन पिस रही है। अब क्या है ये पूरी खबर, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। महंगाई की मार झेल रही पाकिस्तानी जनता को एक और झटका लगा है। अब वहां की सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला किया है। अब कितनी बढ़ोतरी की जाएगी ये जान लेते हैं। शनिवार को पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इशाक डार ने पेट्रोल के दामों में 10 रुपए प्रति लीटर का इजाफा करने का ऐलान कर दिया। इस बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम 282 रुपए प्रति लीटर हो गए। अब आपके मन में सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें इतनी क्यों हैं? तो जनाब, पाकिस्तान में पेट्रोल पर अच्छा खासा टैक्स देना पड़ता है। पेट्रोल पर सेल्स टैक्स तो 0 रुपए है, लेकिन इस पर 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से ऊपर यानी सेस भी लगता है। अब पाकिस्तान रुपए के हिसाब से भारतीय रुपए में पेट्रोल की कीमत क्या होगी ये जान लेते हैं। 282 पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से भारतीय रुपए में पेट्रोल की कीमत 82.57 रुपए प्रति लीटर होती है। ये कदम वहां की सरकार ने क्यों लिया? असल में पाकिस्तानी सरकार अपना खजाना भरना चाहती है, इस वजह से आए दिन कुछ ना कुछ नए नियम बना रही है। वही पाकिस्तान ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए IMF का दरवाजा भी खटखटाया है। IMF पाकिस्तान को सशर्त कर्ज देने पर राजी तो हो गया, लेकिन IMF ने पाकिस्तानी सरकार को अपनी सब्सिडी का बोझ कम करने के लिए कहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इसी की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, ताकि आम जनता के पैसों से देश की तिजोरी भरी जा सके। अब वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान पर क्या कहा? वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की महंगाई को लेकर ऐसा अनुमान दिया है जिसके बाद वहां की आम जनता त्राहिमाम त्राहिमाम करेगी। वर्ल्ड बैंक का मानना है कि आर्थिक बदहाली से गुजर रहे पाकिस्तान को महंगाई से छुटकारा नहीं मिलेगा। विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए अनुमान जताया है कि पाकिस्तान में महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन रेट 29.5% रह सकता है। वहीं एनर्जी की कमी और खाने पीने की चीजों के बढ़ते दामों के कारण इस देश में महंगाई बेकाबू हो सकती है। अब जाते जाते ग्लोबल बैंक्स पाकिस्तान की GDP पर क्या कह रहे हैं जान लेते हैं। विश्व बैंक ने पाकिस्तान की GDP पर कहा कि पाकिस्तान फाइनेंशियल ईयर 2023 में केवल 0.4% की दर से बढ़ेगा। वहीं IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में पाकिस्तान की GDP का अनुमान 3% से घटाकर 0.5% कर दिया है। अब आइए एशियन बैंक पर। एशियन बैंक के मुताबिक इस फाइनेंशियल ईयर में पाकिस्तान की GDP 0.6% रहने का अनुमान है। इन खबरों से तो यही लगता है कि पाकिस्तानी आम जनता की हालत बद से बदतर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।